हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक बास्केट पर। दोस्तों, आपका दोस्त एंड होस्ट गोलू कुशवाहा। दोस्तों, आज के वीडियो इस आज आपको हम बताने वाले हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। दोस्तों, स्विफ्ट कोड वो होता है जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का लेन देन करने में हमें उपयोगी होता है, हमें ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जिस तरीके से डोमेस्टिक लेन देन के लिए हमारे घरेलू बैंक में लेन देन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है IFSC कोड की, उसी तरीके से यूट्यूब पर जब हमारा पैसा आता है उसको अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना होता है तो हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जो हमें हर ब्रांच पर उपलब्ध नहीं होता है। दोस्तों, जो हमारी बैंक की ब्रांचें होती है वहाँ पर हमें स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है और हम परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, तो आज एक आसान तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों कि घर बैठे अपने फ़ोन पर आप पता कर सकते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है और कैसे पता होगा हमको, कैसे हम उसको उपयोग करेंगे। दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखा दोस्तों तो आप स्विफ्ट कोड निकालना नहीं जान पाएंगे और अपने बैंक अकाउंट पर आपको यूट्यूब का पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, तो इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बगल की स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से स्विफ्ट कोड का पता करते हैं। दोस्तों, तो देर ना करते हुए ले चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं बगल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और मोबाइल की डिस्प्ले, तो डिस्प्ले पर आपको यहाँ पर गूगल खुला हुआ है, यहाँ पर सर्च करना है स्विफ्ट कोड फाइंडर। स्विफ्ट कोड फाइंडर सर्च करके दोस्तों यहाँ पर आपको कोड, यहाँ पे बैंक के नाम आ जाएंगे, कुछ बहुत सारी ब्रांच दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आ रही हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आएंगी तो आपको यहाँ पे नीचे जाना है। दोस्तों, ये वाली वेबसाइट पे जाना है आपको, ये इस वाली वेबसाइट पे, ये वाली जो वेबसाइट है दोस्तों इस वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं इस जगह पे किसी भी कंट्री की आप यहाँ पे खोल सकते हैं, यहाँ से आपको स्विफ्ट कोड के बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले ऊपर आ रहा एंटर यू स्विफ्ट कोड। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमें स्विफ्ट कोड के बारे में पता नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों, तो हमें स्विफ्ट कोड के बारे में पता करना है। दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों सेलेक्ट कंट्री नेम, दोस्तों जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम रहते हैं इंडिया पे, दोस्तों तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं और आप लोग जिस भी कंट्री में रहते हैं वहाँ किस कंट्री को सेलेक्ट कर ले। दोस्तों, जैसा कि मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, इंडिया सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करना है बैंक का नाम। दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट करना है बैंक का नाम। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा नंबर है, बैंक का नाम सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी बैंक आपकी, जो भी बैंक है जहाँ पर आपका खाता ओपन हुआ है, जहाँ पर आपका अकाउंट ओपन, जैसा कि दोस्तों हमने अपने बैंक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, हमारी बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आपकी जो भी बैंक है आप उस बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मिनट, दोस्तों यहाँ पे जाएंगे और नीचे जाएंगे दोस्तों यहाँ पे अब दे रहा है सेलेक्ट स्टेट नेम। दोस्तों, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का आपको नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। दोस्तों, तो इस पर सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस भी स्टेट पे आप रहते हैं, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की आपको स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे नीचे आने के बाद दोस्तों अपने सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। दोस्तों, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, दोस्तों जैसा कि मैं रहता हूँ कानपुर में, दोस्तों तो आप जहाँ भी रहते हैं फतेहपुर, उन्नाव, कहीं भी आप रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं दोस्तों, तो वहाँ के लिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नाम आ रहा है तो वहाँ पर सेलेक्ट कर दें। जैसा कि दोस्तों मैंने कानपुर सेलेक्ट कर दिया, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। दोस्तों, अब दोस्तों नीचे आ रहा मेन चीज़ यहाँ पे है। दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि हर ब्रांच पे स्विफ्ट कोड उपलब्ध नहीं होता है। दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट ब्रांच नेम, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच का नाम यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कानपुर का डाला, तो यहाँ पर कानपुर में जो भी ब्रांच है जहाँ पर स्विफ्ट कोड है उसी ब्रांच का नाम दे रहा है। दोस्तों, लेकिन जो मेरी ब्रांच है, जो मेरी बैंक है, वहाँ का नाम नहीं दे रहा। दोस्तों, तो लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको आपके नज़दीकी जो ब्रांच हो उस ब्रांच से स्विफ्ट कोड ले लेना है। दोस्तों, वही कोड आपके काम कर जाएगा। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपके ही ब्रांच का होना चाहिए। दोस्तों, आपकी बैंक का जो नाम है सेम नाम का ब्रांच होनी चाहिए, जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरी है तो उसी नाम की ब्रांच होनी चाहिए, चाहे वो दूसरी ब्रांच हो लेकिन मेरी नज़दीक की हो, जो मेरे पास की हो कि कोई ज़रूरत पड़े तो मैं जा सकूँ, ऐसी ब्रांच को सेलेक्ट करना है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे बिराना रोड ब्रांच, IIT कानपुर ब्रांच,
इंडस्ट्री फाइनेंस ब्रांच। तो दोस्तों मैं मेन ब्रांच को सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन ब्रांच। दोस्तों जैसे कि मेन ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मेन ब्रांच को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे सारा सब कुछ आ गया दोस्तों। नीचे ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सारा सब कुछ हमें मिल गया है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्विफ्ट कोड आ गया दोस्तों, ये हमारा स्विफ्ट कोड रहा दोस्तों। इसी स्विफ्ट कोड को हमें कॉपी कर लेना है और संभाल करके कहीं पर लिख लेना है, सेव कर लेना है दोस्तों। यही कोड हमें अपने मोनेटाइजेशन के बाद जो बैंक वेरिफिकेशन होता है, जो बैंक का हम अपडेट देते हैं, अपने सारी डिटेल देते हैं, तो वहाँ पे हमें स्विफ्ट कोड डालना होगा दोस्तों। तो यही स्विफ्ट कोड हम वहाँ पे डालेंगे जिससे हमारा पैसा हमारे अकाउंट पे आ जाएगा दोस्तों। जो हमारा गूगल एडसेंस पे पैसा आता है वो पैसा हमारी बैंक में आ जाएगा, क्योंकि वो जो पैसा आता है वो डॉलर में होता है दोस्तों। देख सकते हैं ये हमने सारा यहाँ पर हमें डिटेल मिल गई है। यहाँ पे मिलने के बाद डिटेल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे SBI का, हमें स्विफ्ट बैंक का भी पूरा मिल गया है, स्विफ्ट बैंक कोड मिल गया, स्विफ्ट कोड मिल गया है। इसी कोड को हमें सेव कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए हमारी स्टेट बैंक है, ये मेन ब्रांच है, ये माल रोड दिखा रहा है, ये सारी डिटेल दे रहा है। इसी तरीके से आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको कॉपी कर लें, यहाँ पर ऐसा करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी जो सबके ज़रूरत की होती है दोस्तों, तो इसको जान लेना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों ये आप वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो वो भी आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं हमें कमेंट करके दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, वीडियो कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दोस्तों। धन्यवाद।